بسم الله الرحمن الرحيم। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी गौरतलब चीज़ है। हदीस के अंदर ही ये बात वाज हो जाती है कि अमार को जो शहीद करने वाले हैं वो बागी होंगे, ठीक है। तो माविया रज़ी अल्लाह तआला के साथ अकील बिन अबी तालिब थे, अली के भाई। माविया रज़ी अल्लाह के साथ अकील के भाई थे ना, ये अली के भाई अकील थे ना। अम्मार को तो जो शहीद करने वाली जमात है वो कहाँ जा रही है? जहन्नम में। अकील जाएंगे? नहीं, मैं तो समझाने का तो तरीका ना, देखे एक समझाने का एक तो वो तरीका था ना जो मुहद्दिसीन ने सीधा सीधा लिख दिया था, कहाँ समझ में आया था मैं? सीधा सीधा कभी समझ में नहीं आया। मिनबरों पर बता रहे होते हैं हमारे उलमा, कहाँ समझ में आ रहा होता है? वो धीमे धीमे जब बता रहे होते हैं यूट्यूब पर हमारे उलमा, तो कहाँ समझ में आ रहा होता है? नहीं आ रहा होता ना। थोड़ा तो कुछ चीज़ों को समझ देंगे ना, काउंटर क्वेश्चन वगैरह और इस तरह का तरीका होता है, फिर बात समझ में आती है इंशाल्लाह। वो होते हैं अपने अपने अंदाज होते हैं। अभी देखें ना, अम्मार जो है ना, अम्मार उनको शहीद करने वाले थे अकील बिन अबी तालिब, अली के भाई। कहाँ जाएंगे? अभी करे कोई जरूरत, किधर जाएंगे? नहीं, अब एक ही रास्ता हमारे पास, कातिलीन की तहकीक करनी पड़ेगी कि कौन थे। अहले शाम नहीं थे, अहले शाम नहीं थे। अच्छा, अम्मार को शहीद करने वाले कौन है? जहन्नमी। अली को शहीद करने वाले जहन्नमी है ना? सही। उस्मान को जहन्नमी। उमर को? अच्छा, उमर। उमर को शहीद करने वाला अबुल उलू फिरोज था, जान छूटी। उस्मान को बागी जमात थी, वो बागी जमात कहां से आए थे? अमेरिका से। हाँ, ब्लैक वाटर से ताल्लुक था उनका। वो किधर है? अम्मार को जो बागी जमात शहीद करेगी, इसका मतलब वो बागी जमात पहले से होगी ना, या अभी अभी बागी हुई है दो मिनट पहले? वो पहले से होगी ना। उस्मान को शहीद करने वाले आप लोगों ने बताया कौन थे, तो इसका मतलब वो थे ना। वो अहले शाम कहां से हुए? ये हो गया एक मिनट में। नहीं, आप कोई कह नहीं, तो हम कहेंगे बैठे साथ अकील बिन अबी तालिब कहां जाएंगे? नहीं, वो तो अहले शाम के साथ थे, भगोला आपके। और आप कह रहे हो कि अम्मार को अहले शाम ने शहीद किया, और आप कह रहे हो अहले शाम जहन्नम में जाएंगे, तो आपके मुताबिक अकील बिन अबी तालिब कहां जाएंगे? और अभी तो बकिया नाम बाकी हैं, जो मैं सुनाऊंगा तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। सीधी बात है, आपने कहा उस्मान को शहीद करने वाले कौन, और नबी ने क्या कहा कि अम्मार को कौन शहीद करेगा? यानी इसका मतलब वो बागी पहले से थे ना भाई। ऐसा मत करें, समझे इस बात को। और सात बिन अबी वकास को शहीद करने वाले कौन होंगे? अरे छोड़ो इस बात, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वाले कौन होंगे? कौन होंगे? अभी सोच रहे हैं, अभी बहुत सारे सोच रहे हैं। अबे बताओ ना यार, वो कौन होंगे? नासबी। वो कौन होंगे? बागी होंगे ना। तो वो बागी पहले से थे? नहीं, वो शाम से आए थे। अच्छा, कहां से आए थे? वो कहां से आए थे? शाम से। वो भी पहले से थे भाई। कैसे? जब हमने उस्मान रज़ी अल्लाह के कातिलीन की तहकीक करी, नामों को एक तरफ करके तहकीक की, पता लगा बसरा से आए थे, कूफा से आए थे। बसरा से आए थे, कूफा से आए थे। हुसैन को खुतूत लिख के बुलाने वाले कौन? कूफी। और शहीद करने वाले कौन? बकौल ज़ैनुल आबिदीन के, कूफी। और मैं कह रहा हूं कि अहले शाम, अभी मैं ज्यादा जानता हूं, ये जिसने आंखों से देखा वो ज्यादा जानता है। अभी मैं जो इतना होशियार बन रहा हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, या ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने पूरा वाक्य अपनी आंखों से देखा वो ज्यादा जानते हैं? तो बस ये है।